आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया बच्चों? मैम किसका? दिव्यांश आप लोग से नहीं पूछ रही हूँ मैं, ओनली गर्ल्स से पूछ रही हूँ, जीएलपी वालों से। रजिस्ट्रेशन किया आप लोगों ने? मैम मैं क्लास ही ज्वाइन नहीं कर पाई थी। मैंने आपको बताया था कि एनुअल फंक्शन है स्कूल में। हाँ आरुषि, आपको मैं लिंक दे दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी मैं रिकॉर्डिंग का, आप देख लेना और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कर लेना। जिसको कुछ डाउट्स है तो वो मुझे मैसेज, दो तीन बच्चों ने किया है, बाकियों को भी कल संडे है तो आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल ओके मैम, मेरे पास भी फ्री टाइम है, आप लोग भी फ्री हो तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कल ही कर दो, जो भी करना है आपको। लॉगरिदम 2 हमने 4 तारीख को आपकी क्लास हुई थी, उसको थोड़ा खोलती हूँ मैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, यस मैम। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हम कर रहे थे। हाँ ये भी हो गया था, 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 ये नहीं हुआ था, इसको ट्राई करते हैं ना यहाँ से आज करते हैं। मैं तो इसीलिए नहीं कराती हूँ कि चलो आप ही को मौका दे दो, रिवीजन आपका हो जाएगा, बाकी मुझे सॉल्व कराने में कोई इश्यू नहीं है। आप इसको अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर दो, 2 मिनट में वेट करती हूँ फिर मैं कर दूंगी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सोनाली, लॉगरिदम का ही रिवीजन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको कर लेते हैं। यस अगर आपका मन है कि हाँ मैं क्वेश्चन लगाऊं सॉल्व करूं तो आप लोग करिए, नहीं मन होगा तो 2 मिनट का जो मैं टाइम देती हूँ उसमें वेट कीजिए फिर मैं कर दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों का तो रिवीजन में खुद से सॉल्व करने का मन होता है। ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आप लोगों से एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर सब्जेक्ट में काम आएगा। सो बैठे बैठे क्या करूं, मैं भी बोर हो रही हूं तो बच्चों चलो थोड़ा सा मैं भी सॉल्व वोल्व करूं इसको। लॉगरिथम 9/16 टू द बेस एक्स इक्वल्स टू -1/2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं इसको मतलब प्रॉपर्टी की तरफ से देखूं तो ये जो 1/2 है वो इधर को ट्रांसफर होगा, एक्स -1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, 9/16 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया, देन 1/√x, क्योंकि आपको पता है मतलब जो रूट होता है उसको हम लोग 1/2 लिखते हैं, और जब आप इसको 1/2 लिखते हो, हाफ को रूट लिखते हो, मतलब ये हाफ आपका माइनस में है वो भी पावर में, तो पावर में है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा आपका 1/√x, विच इज इक्वल्स टू 9/16। फिर मैं इसको क्या करूंगी, रेसिप्रोकेट कर दूंगी, रेसिप्रोकल √x इक्वल्स टू 16/9, देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? आप दोनों साइड्स अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं, x इक्वल्स टू 16/9 द होल का स्क्वायर,
विच इज इक्वल्स टू 256 अपॉन 81, ये मिल जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी इसको ट्राई कर रहे थे तो देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अगेन इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइम आपको देती हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है आपको। अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगी। में एक ही पावर एक्स है। ये है आपका ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई। इसको सॉल्व करना है लॉग लगा करके दोनों तरफ। चलिए थोड़ा सा टाइम मैंने आपको दिया, अब मैं देखती हूँ इसको। लॉगरिदम ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू, आप लिखोगे क्या? हाँ बताइए। मैम मैंने सॉल्व किया, बट मैम गलत ना हो। तो क्या हुआ, मैथ्स का तो नाम ही है गलत करके सही करना, बताओ तो किया क्या है। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यही है ऑप्शन सी ही है, बट इसको किया कैसे आपने? मैम इसको पहले, सबसे पहले मैम ए एक्स प्लस इक्वल टू लॉग बी वाई मैम इसकी पावर थी। फिर मैम इसका हमने कि आपने पहले जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी एक बार लॉगरिदम की, मैम उसमें से देखा था। तो पावर उतर कर नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, एक्स लॉग ए इक्वल्स टू यस आपका मैम। वाई लॉग बी। मैम और ये अपॉन में चले गए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लॉग ए अपॉन लॉग बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, क्विज का है वैसे तो, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग ट्राई कीजिए।
सो लॉग वाई टू द बेस एक्स इक्वल्स टू आपका कितना है, 100 है, और लॉग एक्स टू द बेस टू इक्वल्स टू कितना है, 10 है, ठीक है, यही दिया हुआ है आपको। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? किसी ने कुछ भी किया होगा तो मुझे बताएं स्टेप, मैं भी सोच रही हूँ कि बैठ के क्या ही करूं। थोड़ा आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हो तो बताते जाओ। किसी का भी हुआ है? y इक्वल्स टू x टू द पावर 100 हो जाएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। y इक्वल्स टू x की जगह पे 2 टू द पावर 10, 100 हो जाएगा, कॉमा ये log x y इक्वल्स टू कितना होगा, log x y इक्वल्स टू 100, सो y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 100 तो था ही, एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा नहीं डालोगे तो एक काम करते हैं, लाइन खींच देते हैं, वो भी सही रहेगा, हो सकता है कॉमा से आप कंफ्यूज हो जाओ। सबने सॉल्व किया तो ऐसा मिला है क्या? अगर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो दिक्कत वाली बात है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। लॉगरिदम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसे। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मजेदार भी और बहुत सिंपल है ये। अब अगर इसको सॉल्व नहीं किया आपने ना तो लॉगरिदम पढ़ना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनता, क्लासेस भी वेस्ट ही जाएंगे, समय भी बर्बाद ही होगा हमारा अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो। बी मतलब बी या डी, क्या कह रहे हो? बी बी यानी कि 4। और किसी का कोई जवाब? एक का तो मुझे पता बी चला। हाँ बी आपका भी बी। कितने लोगों का बी है, बस हैंड रेस कर दीजिए, नहीं भी बोलना चाहते हो तो। चार मैम बी पांच छह लोगों का बी, 8 9 10, अच्छा, बी ही जवाब दे रहे हो आप लोग, ठीक है, चलो बी इज द राइट आंसर। मतलब लॉगरिदम पढ़ने के फायदे हैं। लॉग 16 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 लिख दूंगी मैं, फिर आपका कितना हो जाएगा, 4, 4 इज द आंसर। इसके नेक्स्ट में तो होमवर्क था, अब इसको तो आप क्या ही होमवर्क का क्वेश्चन तो बहुत इजी था, एक ही था। हम लोग तीसरा स्लाइड लेते हैं लॉगरिदम का ना, ये तो दूसरा स्लाइड था जो बच गए थे क्वेश्चन, वही दिया। अब तीसरा स्लाइड लेते हैं तो फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। सारे स्लाइड्स आपके हैं मेरे पास, पुराने वाले।
डेट अगर मैं डाल दूं यहाँ पर आज का 6 जनवरी, ये देखिए बच्चों, अगर सपोज ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लॉगरिदम के, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया है, फ्रैक्शन में ले जा करके। जैसे कि अगर log 15 है बेस में 0.3, तो log 15 अपॉन log 0.3, देन log 15 अपॉन डेसिमल हटा करके 3 माइनस 10, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। फॉर लेस देन 1 इज फॉर नेगेटिव बेसिस एंड ग्रेटर देन 1 इज फॉर मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम, पता यस नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, मैम। शायद शायद इस वीडियो लिंक में कोई दिक्कत है, खुद से ही मेरा माइक काम करना बंद कर दिया था। सो लॉगरिदम का जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरी स्लाइड थी ये हमारी, तो यही मैं कह रही थी कि मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, कैमरा ऑन है मेरा, आप लोग इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मैं करवाती हूँ, बट ये आप लोगों के लिए ही बना हुआ है क्वेश्चन ट्राई करने के लिए।
हाँ जी बताइए, ट्राई किया आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की यस मैम। क्या? कैसे किया? चलती हूँ मैं क्वेश्चंस पे ना, चलिए कैसे सॉल्व किया इसको। मैम ट्राई की था पर हुआ नहीं मैम, शायद प्रोडक्ट रूल लगना चलिए देखिए, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। अब क्या करोगे आप ना? इसको क्या हो गया भाई? ओके, तो ये मेरा पेन पे नहीं था। चलिए, लॉग 72 द होल टू द पावर 5 अपॉन में मैं क्या ले लूंगी? लॉग 3, जो बेस था वो हम अपॉन लॉग 3 आ गया। ध्यान से देखिए सारे लोग स्टेप्स को, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू आपका लॉग 72, आपको पता है कितना होता है? 8 9 72 होता है, और जो पावर में 5 था वो 5 सामने उतर के आ जाएगा। अपॉन में कितना होगा? लॉग 3 हो जाएगा। नाउ अगेन दिस इज इक्वल्स टू, 5 तो बाहर ही रहेगा। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है? एडिशन होता है उल्टा। तो लॉग 8 प्लस लॉग 9, ठीक है, ये हो जाएगा। द होल अपॉन में कितना होगा भाई? लॉग 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5 लॉग 2 टू द पावर 3 प्लस लॉग 3 टू द पावर 2। द होल के अपॉन में कितना हो जाएगा? लॉग 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन इक्वल्स टू 5, 3 फिर सामने उतर कर आएगा, तो 3 लॉग 2 प्लस यहाँ से फिर से क्या उतर कर आएगा? 2 लॉग 3। द होल के अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? लॉग 3। नाउ नेक्स्ट, सब बस पावर बार बार उतर करके आ रहा है, लॉग 3 ठीक है? स्लाइड्स कम पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं। विच इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू तो आपको अब दी गई है ना। अब सबकी वैल्यू जब दी गई है तो आप क्या करोगे? बस वैल्यू डालोगे। 5 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? 0.301 प्लस 2 इंटू 0.4771। ये तो आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया था, होल अपॉन में 0.4771, विच इज इक्वल्स टू 5, 0.903 प्लस 0.9542, ठीक है? होल के अपॉन में कितना हो जाएगा? 0.4771, विच इज इक्वल्स टू, ये होगा 5 इंटू 1.8572 अपॉन में 0.4771, विच इज इक्वल्स टू 9.286 अपॉन में 0.4771। इसको अगर आप डिवाइड करके वैल्यू इसके निकालेंगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा देखते हैं, 19.46। जस्ट अ सेकंड, नाइनटीन पॉइंट फोर सिक्स, ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर था, क्या किया हमने देख लीजिए, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने लॉग टू लॉग थ्री की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, आपको ये निकालना था। आपने क्या किया? पहले आप पावर को सामने उतार कर लेकर आए, ठीक है? मतलब इस स्टेप के बाद आपने क्या किया? पावर को सामने उतारा, फिर 8 प्लस 9, फिर 3 पावर में था तो अगेन आपने क्या किया? 3 को आप सामने उतार कर लेकर आए, फिर से आपने क्या किया? पावर को ही सामने उतारा, फिर
टू को सामने उतारा आपने, तो लॉग के सामने लिखा ना थ्री को भी और टू को भी, एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, बस वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो निकल गया 19.46। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 2 बेस 2, 2 का स्क्वायर बेस 2, 2 का क्यूब बेस 2, सेम उसी तरीके से ही है जैसे मैंने किया था, इसको ट्राई कीजिए जरा बच्चों। किसी का भी सॉल्व हुआ क्वेश्चन? चलिए मैं ही इसको सॉल्व कराती हूँ, देखिए ये कैसे सॉल्व होगा आपका। जो है बहुत इजी था, 2 स्टेप का था इसलिए मैंने आपको कहा। सी लॉग 2 की पावर 1, ठीक है, टू द बेस 2,
प्लस लॉग टू की पावर टू टू द बेस टू प्लस लॉग टू की पावर थ्री टू द बेस टू प्लस प्लस सो ऑन लॉग टू की पावर एन टू द बेस टू। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको करना क्या है, टू लॉग टू प्लस टू लॉग बेस टू एंड ये टू, एक स्क्वायर सामने उतर के आया था आपका, प्लस नाउ थ्री सामने उतर करके आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लॉग टू एंड बेस टू। ठीक है, यही तो बचेगा। ये बचेगा आपका थ्री लॉग टू एंड बेस टू प्लस एन भी सामने आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा लॉग टू बेस टू अगेन, विच इज इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस एन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू एन एन प्लस वन होल अपॉन में टू। ठीक है, इज इट ओके? अब ये समझ में आया जो हमने सॉल्व किया है? यस मैम। ठीक है, चलिए। अब जस्ट अ सेकेंड, ये आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जरा आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, क्योंकि रिवीजन तो आप लोगों का है ना, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाऊँ, मैं ही सॉल्व करवाते रहूंगी, आप देखते रहोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, खुद से करो, नहीं होता है तो मैं तो करवा ही रही हूं।
एनीवन, किसी ने भी कुछ ट्राई किया? कुछ आया आपका आंसर? सी, लॉग एक्स बेस टू द होल का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स टू द पावर 4 बेस 2 -32 इक्वल्स टू 0। तो कैसे होगा ये? आपको सपोज करना पड़ेगा, लेट लॉग एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू वाई। अगर आप सपोज नहीं करोगे तो ये आपका फैक्टराइजेशन का फॉर्म नहीं आएगा। फैक्टराइजेशन का फॉर्म नहीं आएगा तो ये क्या होगा? आगे जाके आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए आपको 256 पहले वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। जैसे ही आपने सपोज कर लिया, फिर आप क्या लिखोगे? मैम आगे वाई आंसर। स्क्वायर माइनस 4 वाई -32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपने जब लिख दिया, अब फैक्टराइज करो आराम से। वाई वाई -8 प्लस 4 वाई -8, 8 4 32 होता है, और 8 -4 4 भी हो जाता है। मैम आगे आंसर। आगे आंसर कितना आया? मैम 256। यस, वेरी गुड। वाई यहाँ पे क्या आया है? एक 8 आया है और एक -4 आया है। जिन बच्चों को सॉल्व नहीं हुआ उनके लिए मैं कर रही हूँ, वो यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये आ गया तो आप अब क्या बोलोगे कि मेरा log x बेस का 2 कितना है? 8, या फिर log x बेस 2 में कितना है? -4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 होता है आपका 256। ओके, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर -4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2, कितना हो जाएगा ये? 2 टू द पावर 4 16। 16 देयरफोर एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इक्वल्स टू कितना होगा आपका? 256 इज द आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, तो बहुत आसान है, आप लोग करोगे कि मैं करवाऊं? ठीक करते। है, करिए फिर, अगर करते हैं तो। -8 टू द पावर x+1 -8 टू द पावर x-1 इक्वल्स टू 63। सो 8 टू द पावर x-1, ठीक है, ये 8² - 1 इक्वल्स टू 63 नहीं हो जाएगा? देन 8 पावर में x-1 द होल अपॉन x-1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। x-1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। मैंने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कर ही दिए, नहीं नहीं करते करते भी, बस आपको थोड़ा टाइम देती हूँ मैं। आप नहीं करते हो तो मैं ही कर देती हूँ। ये भी इजी है। लॉग एक्स बेस में 0.25 इक्वल्स टू 16, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.25 द होल टू द पावर 16। एक्स इक्वल्स टू 1/4 द होल की पावर 16 हो जाएगी। सो एक्स इक्वल्स टू 4 - 16 हो जाएगा ना, 4 रेसिप्रोकल हो गया तो ये -16 में चला गया, अच्छा तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये किस फॉर्म में है, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स वाले फॉर्म में है ये। इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना, वो प्रोडक्ट वाला सबसे पहला वाला, तो उसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन भी है। इसको भी देखिए कैसे करते हैं। बड़े नंबर्स हैं ये, जैसे कि आपका लॉग 12 का क्यूब होगा 1728, और बेस में क्या है 12, इनटू लॉग 9 का 4 टाइम्स होगा ये नंबर, और बेस में क्या है 9। दिस इम्प्लाइज आपका 3 log 12, बेस में 12 है, इनटू में 4 log 9, बेस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में है आपका, लॉग ए टू दी बेस ए इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये प्रॉपर्टी है ना आपकी, तो ये कितना हो इसमें। जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 3 * 4, दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 12। सारे लोग देख लीजिए एक बार। इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये बेहद आसान है, इसको आप सॉल्व कीजिए। यस बच्चों, सॉल्व हुआ क्या? नो मैम।
मैं ही कर देती हूँ। देखिए, लॉग एक्स को कॉमन ले लीजिए, आप सब में लॉग एक्स है कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 प्लस 3 to the power 3 प्लस 3 to the power 4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, देन क्या करोगे? लॉग एक्स 3 to the power सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 10, विच इज इक्वल्स टू 10। तो ये 10 जो आपका पावर में है, इसको सामने उतार के लाओ, तो 10 लॉग बेस में एक्स 3 इक्वल्स टू 10। ये 10 कैंसल हो जाएगा, लॉग भी कैंसल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या? एक्स इक्वल्स टू 3 X3 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको कैसे करेंगे हम? इसको भी सॉल्व करते हैं। आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपको देने का मतलब है फिर टाइम की बर्बादी, आप पता नहीं करोगे नहीं करोगे, या फिर हो सकता है कि शायद आप ट्राई करते हो आपसे नहीं हो पाता है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ना बेस में 10 है, नहीं होगा क्वेश्चन में प्रिंट तो मैंने डाल दिया, बेस में 10 होगा। लॉग बेस में 10 ए प्लस 3 इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, प्लस में एक और है ना आपके पास, तो वो भी लॉग बेस में 10 ए माइनस 3 इक्वल्स टू 1। नाउ अगर मैं लॉग 10 को कॉमन ले लूं तो यहां से मेरे पास बचेगा ए प्लस 3 ए माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला क्या है मेरा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यस सो मैम। लॉग 10 ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ए स्क्वायर कितना होगा? 19। देयरफॉर ए इक्वल्स टू √19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ? यस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे होगा आपका? लॉग बेस में 2 है, 33 माइनस 3 to the power x इक्वल्स टू 10, पावर में क्या है? लॉग 5 माइनस x। आप क्या करोगे, x को 0 पुट करो, x के लिए ही सॉल्व करना है ना। तो लॉग बेस में 2, 33 माइनस 1 इक्वल्स टू आपका लॉग 5 जो है, सॉरी ये तो पावर में है ना, 10 लॉग 5, ये 10 पावर में लॉग 5 हो जाएगा। सो ये होगा लॉग बेस में 2, 32 इक्वल्स टू 5, तो लॉग 2 to the power 5 बेस में 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हो गया। सो लॉग 2 बेस में 2 एंड 5 सामने रहेगा ही आपका, विच इज इक्वल्स टू 5, देयर फोर 5 इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है बच्चों, यही था इस पूरे क्वेश्चन का मतलब। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं होमवर्क में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये सब आपको करने के लिए दिया गया था। जब हम क्लास में क्वेश्चन करवा देते हैं तो थोड़ा कुछ खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको लगता होगा कि मेरा लॉगरिदम बहुत अच्छे से हो गया है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मुझे अभी भी थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी है, तो जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी उसी को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बेस मजबूत कर पाए। देखो हमें कोई 100 200 क्वेश्चन नहीं करना है, हमारा टारगेट ये नहीं है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन कर ले, हमारा टारगेट ये है कि कितने अच्छे से हम इस चैप्टर को समझ पाए। ठीक है, तो क्लास में यहीं तक रखूंगी और क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगी आज, जो है आप ऑलरेडी उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यस ठीक है, फिर आप आराम कीजिए, कल संडे है, एक दिन आपको मिला है आराम करने को। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, फिर मिलते हैं ट्यूजडे मैम। को। बाय।